टेंथ क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें द्विघातीय बहुपद के शून्य अंक ज्ञात करने हैं। तथा शून्य अंकों और गुणांकों में संबंध को वेरीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बहुपद दिया गया है। पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? 8 के फैक्टर 2 आने चाहिए। एक्स माइनस 8 के फैक्टर बनेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 बनेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 2x 8 ऐसे लिखेंगे। ग्रुप बनाएंगे कॉमन लेंगे। पहले ग्रुप से कॉमन एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस 4 आएगा। पहले ग्रुप से कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट साइन प्लस 2x एंड 8 में से कॉमन जो आएगा वो 2 आएगा। कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस 2 4 जाए दोनों ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद सेम आने चाहिए। अब इक्वल एक्स माइनस 4 लिखेंगे। पहले ब्रैकेट के पहले कॉमन क्या है एक्स लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में दूसरे कॉमन इक्वल कॉमन से पहले 2 है ये इसके फैक्टर हो जाते हैं एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 2 इस द्विघाती पद के गुणनखंड हो जाते हैं। शून्य अंक ज्ञात करने के लिए पहले ब्रैकेट के इक्वल 0 रखेंगे एंड सेकंड ब्रैकेट के इक्वल 0 रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई एंड एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो शून्य अंक हमारे हो गए या 0 4 एंड माइनस 2। ये हमने इस द्विघात त्रिपद व्यंजक के शून्य अंक ज्ञात किए 4 एंड माइनस 2। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तुलना करने ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इक्वल टू माइनस 8। ए को हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं बी को हम एक्स का कोफिशिएंट कहते हैं या गुणांक सी को हम अचर पद कहते हैं।
शून्य अंकों का योगफल योगफल क्या आएगा? शून्यांक हमारे पास चार और फोर प्लस फोर माइनस टू इजिकल टू टू। मूल्यांक शून्यांकों का गुणन योगफल टू आता है। टू को हम माइनस माइनस टू अपॉन वन ले सकते हैं या माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं या हम इसको माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कह सकते हैं। ये तो हमारा शून्यांकों का योगफल हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल होगा हमारा फोर इंटू शून्यांक हमारे फोर एन माइनस टू है। मल्टीप्लाई करने के बाद फोर टू जाए प्लस माइनस माइनस, इसको हम सी अपॉन माइनस एट अपॉन वन। माइनस एट क्या है? सी है, तो इसको सी अपॉन ए लिख सकते हैं। गुणांकों में लिखना है तो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। ये संबंध हमें स्थापित करना, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऐसे पूरा हो जाता है। सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट हमारा फोर एस एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। हमें क्या दिया गया है? एस यहाँ पर चर है, तो ए एस स्क्वायर बी एस सी से तुलना करें, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। पहले गुणनफल करेंगे फोर मल्टीप्लाई वन फोर, फर्स्ट टर्म में से ही लिखा जाएगा फोर के टुकड़े फोर एस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और अचर पद ऐसे लिखेंगे फोर के टुकड़े फोर टू प्लस टू मल्टीप्लाई करेंगे फोर बन जाएगा, प्लस कर देंगे फोर बन जाएगा, एस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस माइनस माइनस टू एस प्लस वन। ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, टू एस कॉमन पहले पेयर से ग्रुप से कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? टू एस माइनस वन बचेगा, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन वन लेते हैं। टू एस प्लस माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट इक्वल आने
शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले जीरो रखेंगे, टू एस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड टू एस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एस इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू, इधर भी ऐसे ही करते हैं इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो शून्यांक हमारे क्या आ गए, शून्यांक हमारे वन बाई टू एन वन बाई टू आ जाते हैं। तुलना करने के बाद ए की वैल्यू फोर आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी एंड सी की वैल्यू वन आ जाएगी। शून्यांकों का यानी कि जीरो का जीरो बोलते हैं, शून्यांकों का योग योगफल क्या हुआ, वन बाई टू प्लस वन बाई टू, एलसीएम लेने के बाद वन प्लस वन टू अपॉन टू इजिकल टू डी टू डिवाइड बाई वन, वन को हम वन अपॉन वन लिख सकते हैं, वन को हम माइनस माइनस वन अपॉन वन, माइनस वन हमारा फोर अपॉन फोर भी लिख सकते हैं, फोर हमारा क्या है माइनस फोर हमारा बी है एंड फोर हमारा ए है, तो हम इसको माइनस एस का वो गुणा अपॉन एस स्क्वायर का गुणा लिख सकते हैं। ये तो योगफल रहा आप गुण शून्यांकों का गुणफल हमारा वन बाई टू इंटू वन बाई टू मल्टीप्लाई करने के बाद वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर को हम सी अपॉन ए लिख सकते हैं, सी को हम अचर पद अपॉन एक्स एस स्क्वायर का गुणांक लेंगे। इस प्रकार ये शून्यांकों का सत्यापित हो जाता है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट भी ऐसे करना है। थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट है हमारा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, पहले उचित फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर फर्स्ट नंबर पे आएगा, एक्स सेकेंड नंबर पे और अचर पद थ्री नंबर पे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, पहले गुण कर करेंगे, सिक्स थ्री जाए एटीन, एटीन के फैक्टर सेवन होने चाहिए, नाइन टू जा एटीन माइनस थ्री, ऐसे एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस सेवन
सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, पहले ग्रुप से थ्री एक्स कॉमन आएगा, कॉमन के बाद थ्री टू जा एक्स, टू एक्स बचेगा और माइनस थ्री बचेगा। दूसरे ग्रुप से कोई कॉमन नहीं है तो प्लस वन कॉमन लेंगे, टू एक्स माइनस थ्री आफ्टर कॉमन के बाद आएगा, टू एक्स माइनस थ्री एंड थ्री एक्स प्लस वन, दो इसके फैक्टर आ जाते हैं। शून्यांक करने के लिए टू एक्स माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, टू एक्स इजिकल टू थ्री, एक्स इजिकल टू थ्री अपॉन टू, ये तो पहले ब्रैकेट के एक्स की वैल्यू आ जाती है, प्लस वन इजिकल टू जीरो, थ्री एक्स इजिकल टू वन माइनस बनेगा, एक्स इजिकल टू माइनस वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई एक्स वाई बन जाएगा। तो शून्य अंक हमारे आ गए थ्री अपॉन टू और माइनस वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं, ए की वैल्यू सिक्स, बी की वैल्यू सेवन माइनस सेवन एंड सी की वैल्यू माइनस थ्री आ जाती है। शून्यांकों का योग बल करते हैं, योग बल शून्यांक हमारे थ्री अपॉन टू और माइनस वन अपॉन थ्री है। एलसीएम लेते ब्रैकेट थ्री अपॉन टू प्लस माइनस माइनस वन अपॉन थ्री, एलसीएम सिक्स डिवाइड बाय टू, थ्री थ्री या नाइन माइनस थ्री टू जा इजिकल टू सेवन अपॉन सिक्स आ जाता है। इसको हम माइनस ब्रैकेट माइनस सेवन अपॉन सिक्स भी लिखते हैं, इक्वल माइनस माइनस सेवन बी की वैल्यू है और सिक्स वैल्यू ए की है, तो इसको हम माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल के बाद मूलों का शून्यांकों का गुणन, शून्यांक हमारे क्या रहते हैं थ्री अपॉन टू और माइनस वन अपॉन थ्री, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू वन अपॉन टू इंटू थ्री, थ्री डिवाइड बाय थ्री माइनस वन अपॉन टू आ जाता है। माइनस वन अपॉन टू को हम माइनस थ्री अपॉन सिक्स भी लिख सकते हैं, माइनस थ्री हमारा सी है और सिक्स हमारा ए है, इसको हम अचर पर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।